शहर में कुछ लोग जानबूझकर शांतता खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें मैं समझूंगा एमआईएम और बीजेपी की मिलीजुली पद्धति से शहर का वातावरण खराब करने का प्रयास चालू है। लेकिन शिवसेना ये होने नहीं देगी, ये भी हम बताते हैं। हम उद्योजकों के साथ है, उन्होंने जो कहा है वो सत्य है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार एमआईएम है और भारतीय जनता पार्टी है। अगर कोई संबंध नहीं इसमें, ये शहर जिले का नाम छत्रपति संभाजीनगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने किया है, इसका अदालत का कोई सवाल ही निर्माण नहीं होता। कौन से शहर का नाम कौन सा रखना, ये सरकार का अधिकार है और इस शहर की जनता ने, इस जिले की जनता ने ये शहर का नाम संभाजीनगर होना चाहिए, ऐसा बार बार सरकार को लिखा है, उस प्रकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, इसमें अदालत का कोई सवाल ही नहीं है। इम्तियाज जलील खुद का राजकारण कर रहे हैं, मुस्लिम तुष्टिकरण का काम कर रहे हैं, उनके हाथ से मुस्लिम वोट बैंक जा रही है, इसलिए इम्तियाज जलील इस प्रकार का राजकारण कर रहे हैं। फिर कोर्ट में है तो फिर कोर्ट में लड़ो ना, रास्ते पे क्यों बैठे हैं, रास्ते पे क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? एमआईएम का है कौन महाराष्ट्र में और देश में? एमआईएम के दो सांसद है और दो विधायक है, क्या कर सकते हो? इसलिए एमआईएम राजनीति कर रहे हैं मुस्लिम और हिंदू में बंटवारा करने का, और उसमें बीजेपी पे मिली हुई है, ऐसा मेरा स्पष्ट कहना है। देखो, कोई भी आंदोलन में लोग लाना इसको कोई बड़ा काम ऐसा मैं समझता नहीं। हो तुम उपोषण कर रहे हो और बिरयानी खा रहे, तुम औरंगजेब का उदात्तीकरण कर रहे, औरंगजेब का फोटो लेके आ रहे, औरंगजेब बहुत अच्छा था, उसने ये काम किया वो काम किया, ये किधर लेके जा रहे तुम समाज को? ये तो देशद्रोह है। औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी महाराज का वध औरंगजेब ने किया है, और वो औरंगजेब तुम्हारा कौन लगता है? संभाजी महाराज तो स्वराज्य रक्षक थे, संभाजी महाराज तो धर्मवीर थे, उनका नाम दिया है सरकार ने, सरकार ने कोई देशद्रोही का नाम दिया था? औरंगजेब तो देशद्रोही है। सर, आंदोलन करने का सबको अधिकार दिया है संविधान ने, लेकिन कैंडल मार्च का जो है तो परमिशन एंड टाइम पे पुलिस जो है तो नकारती है, इस पे क्या कहें? नहीं, आंदोलन कितने दिन करेंगे तुम? तुमने कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठ के किया है ना, बार बार एक बार आपने कहना मान लिया, अभी सरकार करेगी, कोर्ट में गए ना तुम, तो कोर्ट जो होंगे देखेंगे ना, फिर होना ही चाहिए, उनको अंदर डालना चाहिए, सिर्फ गुनाह करके क्या होगा?